आज हम आपको सिखाएंगे कि ब्लीचिंग कैसे करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम आपको ब्लीच सिखाने वाले हैं। आप हमारे क्लाइंट का फेस देख सकते हो कि इसकी कितनी ओली स्किन है। जो आज हम आपको ब्लीच सिखाने वाले हैं वो एफिट्यूट कंपनी की है, हल्दी चंदन ब्लीच क्रीम। इसको आप कैसे मिक्स करें और आप कैसे फेस पे लगाएं, इस वीडियो में हम आपको बारीकी से आपको बताएंगे। जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हो कि मैं एक बाउल लिया और उसके अंदर ब्लीच क्रीम निकाल ली है। घर पर ब्लीच कैसे बनाएं, ब्लीच कितने प्रकार की होती है, इस पर मैंने चूरी की वीडियो हमने अपलोड की हुई हैं। आप उन वीडियो को भी पहले देख लें और उसके बाद ही ब्लीच करें। एक्टिवेटर मैंने ब्लीच के अंदर मिक्स कर दिया है। जब ब्लीच करते हो और उस ब्लीच को आप उतारते हो तो फेस के क्लाइंट पे जो हेयर होते हैं वो ब्राउन हो जाते हैं। मैं इस ब्लीच को क्लाइंट के फेस पे से उतारूंगा, आप उसके हेयर देखना ब्राउन होते हैं या नहीं। हमने ब्लीच के अंदर रोज़ वाटर मिक्स कर लिया है। रोज़ वाटर हम इसलिए मिक्स करते हैं जो हमारे क्लाइंट के फेस पे जलन वगैरह होती है वो थोड़ी कम होती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। ब्लीच को अच्छे से मिक्स कर लें और आप ब्लीच लगाते समय हेड से स्टार्ट करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो हमारे ऐसे आईब्रो के हेयर होते हैं या आइज़ के हेयर होते हैं उन पे आप इस ब्लीच को ना लगने दें और एक शार्प लेयर में लगाएं। जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हो कि मैं ऊपर से नीचे की तरफ ब्लीच लगा रहा हूँ, जो यह ब्लीच लगाते समय आप आइज़ में ब्लीच को ना जाने दें और हल्के हाथ से ब्लीच लगाएं। और मैं इस ब्लीच लगाने के बाद आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि जो हमारे ब्लीच का रिज़ल्ट आएगा वो एक शानदार रिज़ल्ट आएगा। उसमें ब्लीच लगाने के बाद आपको एक फिंगर से 5 से 10 मिनट के बाद फिंगर से आपको ब्लीच की मसाज करनी है ताकि जो इकबल हो जाए। जिस प्रकार यह आप देख रहे हो कि थोड़े थोड़े हिस्से में हम ब्लीच नहीं लगा रहे हैं, यह एकदम से प्रॉपर रिजल्ट आएगा। जिस प्रकार आप मैं फिंगर से ब्लीच को जो स्थान रह गया है उस पर ब्लीच कैसे लगाऊंगा। वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक देखा करें तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। बहुत से हमारे पास कमेंट करते हैं कि सर हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो और हमसे कमेंट में बार बार एक ही सवाल पूछते हो। आप पूरी वीडियो देखा करें और उसके बाद आपका कोई सवाल हो तभी हमारे पास कमेंट करा करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ब्लीचिंग का जो हमारा टाइमिंग रहेगा 15 से 20 मिनट तक रहेगा और ब्लीच लगाने के बाद आप वीडियो में देखना कि मैं एक फिंगर के साथ आपको मसाज करके दिखाऊंगा। जितने स्थान पे हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीच लगाएं और आइज पे और मूछों को जो ऊपर छोटे हेयर होते हैं उन पे ब्लीच आप ना लगने दें ताकि आप अच्छे से ब्लीच लगाना पहले सीख लें। आप डमी पे पहले ट्राई करें फिर ही आप क्लाइंट के फेस पे ब्लीच लगाएं। जो ब्लीच का मिक्सिंग कैसे करें वो भी आप अच्छे से पहले सीख लें। आप पहले हाथ पे अपने पे ब्लीच करके देखें उसके बाद ही फेस पे क्लाइंट के फेस पे ब्लीच करें। जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हो कि मेरे 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद मैं फिंगर से हल्के हाथ से मसाज कर रहा हूँ
और मसाज करने के बाद जो हमारा स्थान रह जाता है और उस पे एक अच्छी ब्राइटनेस आएगी। आप सभी जो नेक पे लगाई है उसको भी, और जो हमने आइज़ के नीचे लगाई है मूछों के पास उसको भी आप अच्छे हाथ से मसाज कर लें। इससे हमारे बाल भी कम ब्राउन होते हैं और जो हमारी ब्राइटनेस है वो भी अच्छी आएगी। और इससे जो हमारे कई ब्लीच कराने के बाद लालपन हो जाता है वो भी बहुत कम आएगा। आप स्पंज से ब्लीच को क्लीन कर दें और जो भी आपने ब्लीच करते हैं जो अपना हाथ होता है उसको आप हल्का हाथ रखें, यानी कि फूका हाथ रखें। अगर आपका इसके बारे में भी कोई सवाल हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं हर वीडियो में आपको बार बार यही बात कहता हूँ कि आपका कोई सवाल हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल पे 140 प्लस से ज़्यादा हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उन वीडियो देखकर आप कुछ नया सीख सकते हो, आप उन वीडियो को भी जाएं। और जो इसकी हमने थ्योरी की भी वीडियो हमने 4 से 5 अपलोड की हुई हैं कि ब्लीचिंग किस प्रकार बनती है, ब्लीचिंग कितने प्रकार की होती है, क्या सामान यूज होता है, उसकी भी आप वीडियो देखें। ब्लीच का हमारा यह फाइनल रिजल्ट है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।